नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हरितालिका तीज महिलाओं के लिए सुहाग से जुड़ा व्रत माना जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए सारा दिन निर्जला व्रत रहती हैं और अगले दिन व्रत का पारण करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है और इसे महिलाएं बहुत ही आस्था के साथ करती हैं। साथ ही इस दिन बहुत से ऐसे काम हैं जिनको करने से पुराणों में मना किया गया है, लेकिन कई बार महिलाएं जाने अनजाने में इन कामों को कर देती हैं। इस व्रत को रखने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हर महिला को करना होता है। हम आपको बताएंगे कि हरितालिका तीज व्रत में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए और क्रोध पर काबू पाने के लिए महिलाएं हाथ में मेहंदी लगा सकती हैं। मेहंदी हाथों के साथ ही दिमाग को भी ठंडक पहुंचाती है। व्रत रखकर महिलाओं को रात में सोना नहीं चाहिए, बल्कि अन्य महिलाओं के साथ मिलकर भजन कीर्तन करते हुए रात बितानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत रखकर अगर महिला सोती है तो उसे अगले जन्म में अजगर का जन्म मिलता है। यदि आपने हरितालिका तीज का व्रत रखा है और आपने गलती से भी अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को अपशब्द बोल दिए तो ये आपके व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा और साथ ही आपका व्रत रखना खराब हो जाएगा। हरितालिका व्रत हर महिला को निर्जला रखना होता है। यदि कोई महिला ये जानकर भी दूध का सेवन कर लेती है तो पुराणों में बताया गया है कि उसे अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म मिलता है। व्रत रखने वाली सभी महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि ये व्रत आप अपने पति की दीर्घायु के लिए रख रही हैं, इसलिए भूल कर भी इस दिन पति के साथ झगड़ा ना करें। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और भगवान शंकर व माता पार्वती उसके व्रत को स्वीकार नहीं करते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।